मिथिला राज्य में राजा कृष्णदेव राज किया करते थे। राजा कृष्णदेव का एक पुत्र था जिसका नाम सूरजदेव था। कृष्णदेव बेहद ही न्यायप्रिय राजा थे। राज्य में अपराध कम करने के लिए उन्होंने अपने दंड शास्त्र को बेहद कठिन बनाया हुआ था। चोरी हो या हेराफेरी, हर अपराध के लिए उनके दरबार में कठिन से कठिन सजा का प्रावधान था। उनका पुत्र सूरजदेव अब बड़ा हो गया था, किंतु वो पिता के दंड विधान से असहमत था। पिताजी, मैं आपके दंड विधान से असहमत हूँ। मेरा मानना है कि दंड देने से कभी भी अपराध कम नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने राज्य में अपराध कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपराधी की मानसिक प्रवृत्ति को समझना होगा। राजकुमार, आपकी बात को हम समझ नहीं पा रहे। आप प्रतीक्षा कीजिए पिताजी, मैं जल्द ही आपका पक्ष आपके सामने रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार राजसभा से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वे महामंत्री अर्जुन को अपने कक्ष में बुलवाते हैं। महामंत्री, राज्य में फिलहाल सबसे ज्यादा अव्यवस्था किस कारण से फैली हुई है, हमें बताइए। राजकुमार, पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। एक चोर है जो राज्य के धनी और व्यापारी व्यक्तियों के यहाँ चोरी कर रहा है, और चोरी करने के बाद वो हमारी कानून व्यवस्था के खिल्ले उड़ाने के लिए कुमकुम से अपने हाथ के छाप दीवार पर छोड़कर जाता है। हमारे सैनिकों ने उसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो हमारी सोच से अधिक होशियार है। हम चाहे जितनी भी जाल बिछाए, वो हमारे हाथ से फिसल ही जाता है। अच्छा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, राज्य के जितने भी धनी और उच्च वर्गीय लोग हैं उनका पूरा विवरण हमें भिजवा दीजिए। एक बात और, जितने भी घरों में चोरी हुई है उन सभी की कुंडली का भी पता लगाइए, जैसे इनका क्या व्यापार है, आमदनी का जरिया क्या है, और ये खर्च कहाँ करते हैं, इत्यादि। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई आम चोर नहीं है। अपने हाथ की छाप छोड़कर वो कुछ ना कुछ जरूर बताना चाहता है। इस चोर के चोरी के पीछे जरूर कोई गहरी वजह है। राजकुमार सूरज की बात सुनकर, महामंत्री, अभी तक चोरी का शिकार हुए लोगों के विषय में जानकारी निकालने के लिए गुप्तचरों को भेजते हैं। कुछ दिन बाद महामंत्री अर्जुन राजकुमार सूरज से अकेले में मिलने आते हैं। राजकुमार, जैसा आपने कहा था, राज्य के सभी धनाढ्य व्यक्तियों का ब्यौरा मैं लेकर आया हूँ। एक बात जो पिछली सभी चोरियों में मैंने देखी है वो ये है कि ये सभी लोग अव्वल दर्जे के बेईमान व्यक्ति थे। इन सभी ने पिछले कुछ वर्षों में अचानक ही धन प्राप्त कर लिया था। हो ना हो, ये धन या तो बेईमानी का है या राज्य से की गई चोरी का काला धन है। परंतु हैरानी की बात तो ये है कि राज्य के कानून मंत्री की नजर आज तक इन पर कैसे नहीं गई। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये चोर जो भी है उसका मकसद शायद चोरी नहीं, हमारा ध्यान इन लोगों की ओर खींचने की है। किंतु ये चोर है कौन और ये सब आखिर क्यों कर रहा है, ये बात तो हम उस चोर के मुंह से जान कर ही रहेंगे। लेकिन राजकुमार, वो चोर तो आज तक हमारी पहुंच से बाहर है, उसे हम पकड़ेंगे कैसे? महामंत्री जी, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि लोहा लोहे को ही काटता है। कहावत तो अवश्य ही सुनी है, किंतु आप करने क्या वाले हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। महामंत्री जी, इस शातिर चोर को पकड़ने के लिए हम खुद चोर बनेंगे, और जब उसे लगेगा कि उसका नाम कोई और ले जा रहा है तो वो अपने बिल से बाहर जरूर आएगा, और बस उसी पल हम उसे पकड़ लेंगे। वाह 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 राजकुमार वाह, बात तो आपने बड़े पते की, किंतु आप एक राजकुमार हैं, आप कैसे एक चोर बनकर चोरी कर पाएंगे? महाराज को पता चला तो ना जाने वो क्या करेंगे। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना महामंत्री जी, आप हमारी फिक्र छोड़िए और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये खबर हमारे और आपके अलावा किसी तीसरे को पता ना चलने पाए। जी, जो आज्ञा राजकुमार। महामंत्री से एक अमीर सेठ का पता लेकर अगले दिन रात के दूसरे पहर में राजकुमार नकाब से चेहरा ढकने के बाद एक घोड़े पे सवार होकर महामंत्री के बताए पते पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे लोहे के सरिये से सेठ के घर की मिट्टी की दीवार में बड़ा सा छेद कर देते हैं और उस घर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। अंदर जाकर वे सेठ की तिजोरी से धन लेकर वहां पर कुमकुम से अपने हाथों के छाप छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह सेठ रोते हुए दरबार में पहुंचता है।
महाराज, कल रात को मेरे घर से मेरे जीवन भर की कमाई कोई लेकर उड़ गया। कुछ तो कीजिए महाराज। पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी उस चोर का पता लाकर देगा, महाराज उसे मालामाल कर देंगे। महाराज की बात सुनकर सिपाही पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। मैंने तो चोरी नहीं की, फिर ये कौन है जो चोरी कर रहा है? असली चोर को उस्काने के लिए राजकुमार अगले दिन फिर से एक धनी सेठ के यहाँ चोरी करने पहुंच जाते हैं। इसी तरह राजकुमार रोज घर से निकलते हैं और फिर किसी ना किसी के यहाँ चोरी करके हाथ की छाप छोड़कर गायब हो जाते हैं। राजकुमार के इस तरह चोर के नाम पर चोरी करने से असली चोर बौखला जाता है। अगले दिन राजकुमार राज्यसभा में एक गुमनाम पत्र भेजता है जिसमें 5 सेठों के नाम लिखे हुए थे। उसमें लिखा था, अगली चोरी मैं इनमें से किसी एक के यहाँ करने वाला हूँ, रोक सको तो रोक लेना। ये पत्र पढ़कर पूरे राजमहल में हड़कंप मच जाता है। महाराज अपने सैनिकों को उन 5 के घर के बाहर तैनात कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं किंतु चोर का कुछ पता नहीं चलता है। लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। महामंत्री, सैनिकों को बुलाओ और सीमा पर तैनात कर दो। 15 दिन हो गए और हम इंतजार नहीं कर सकते। महामंत्री सेना को वापस बुला लेते हैं। उसी रात राजकुमार फिर से आधी रात गए चोरी करने निकलते हैं और एक सेठ के यहाँ पहुँच कर उसके घर में सेंध लगाने लगते हैं। चोरी करने के बाद जैसे ही वे अपने घोड़े पर सवार होते हैं कि पीछे से कोई व्यक्ति आकर उनकी गर्दन पर तलवार रख देता है। चुपचाप घोड़ा उस दिशा में घुमाओ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। वह व्यक्ति राजकुमार के घोड़े पर सवार हो जाता है और तलवार का डर दिखाकर उन्हें अपने खुफिया अड्डे पर ले आता है। वहाँ पहुंचकर वह राजकुमार को रस्सियों से बांध देता है। कौन हो तुम और मेरे नाम से चोरी क्यों कर रहे हो? अगर चोरी करनी है तो शौक से करो, लेकिन मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो? पहले अपना नकाब हटाकर अपना चेहरा दिखाओ, फिर मैं सब बताता हूँ। चोर अपना और राजकुमार दोनों का नकाब हटाता है। राजकुमार, आप क्या आप ये चोरियां कर रहे हैं? हाँ, ये सब मैंने ही किया ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। मैं जानता था तुम ये कभी बर्दाश्त नहीं करोगे कि कोई तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके चोरियां करे। तब तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरा राज तो जान गए किंतु जिंदा यहाँ से लौट नहीं पाएंगे। देखो, हम जानते हैं कि तुम चोर नहीं हो। अगर तुम्हें चोरी ही करनी होती तो तुम अपना निशान क्यों बनाते? अब हमें सच सच बताओ कि क्या बात है। निश्चिंत रहो, हमारा मकसद तुम्हें सजा दिलाना नहीं। हम तो बस जानना चाहते हैं कि तुम्हारे अपराध की जड़ क्या है ताकि हम उसे मिटाकर अपराध को मिटा सके। हम समझते हैं कि अपराधी को मिटाकर अपराध को नहीं मिटाया जा सकता। राजकुमार की बात सुनकर चोर को राजकुमार पर भरोसा हो जाता है। राजकुमार, मैंने कभी किसी गरीब जरूरतमंद या शरीफ आदमी के यहाँ चोरी नहीं की। मैंने जितनी भी चोरियाँ की वे सभी एक नंबर के भ्रष्ट आदमी थे जिन्होंने आम गरीब जनता को लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था। मैंने तो बस वह धन वापस उन गरीबों तक पहुंचाया है। मैं अपना चोरी किया हुआ धन कभी अपने पास नहीं रखता। मैंने सारा धन जरूरतमंद में बांट दिया है। यह आप क्या कह रहे हैं? इतने सख्त विधान होते हुए भी राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कैसे संभव है? राजकुमार, आपके कानून मंत्री इन ढनाढ़य लोगों से मिले हुए हैं। राजकीय खजाने को लूट कर वे सारा धन इन व्यापारियों की तिजोरियों में भर रहे हैं। महाराज की ओर से मिलने वाली मुफ्त राशन और इलाज की सुविधा किसी गरीब तक पहुंच ही नहीं रही। गरीब जनता भूखे मर रही है और महाराज यही सोचकर खुश है कि उनके राज्य में कोई अपराध नहीं हो रहा। जब राजा की आंखें बंद है तो इन आंखों को खोलने के लिए किसी को तो प्रयास करना ही होगा ना। बस इसीलिए मैं उन भ्रष्ट लोगों के यहाँ से धन चोरी करने लगा ताकि गरीबों की मदद हो सके और महाराज की नींद टूट सके। आपने तो बड़ा पुण्य का काम किया है। आप निश्चिंत रहे, आपकी बात हम पिताजी तक अवश्य पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ चलिए। राजकुमार चोर को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। पिताजी, जिस चोर को आप महीनों से खोज रहे हैं आज मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूं। किंतु ये सजा का नहीं इनाम का अधिकार है। ये क्या बोल रहे हो, चोर और इनाम का अधिकार? राजकुमार चोर की सच्चाई महाराज को बता देते हैं। अपने मंत्रिमंडल पर आंख बंद करके भरोसा करने का परिणाम हम देख चुके हैं। अपने भ्रष्ट मंत्रियों की ओर से हम क्षमा मांगते हैं और आज से आपको राज्य का कानून मंत्री नियुक्त करते हैं। सख्त दंड विधान को हटाने के
राजकुमार के तर्क को भी महाराज अच्छी तरह समझ जाते हैं और अपने दोषी मंत्रियों को कारागार में बंद करवा देते हैं। इस तरह एक बार फिर से मिथिला प्रदेश में सुख शांति छा जाती है।